चौधरी चरण सिंह एक हैं, पर उनके रूप अनेक हैं। उनके व्यक्तित्व की ना जाने कितनी तहें हैं, कितनी परतें हैं। हर तह में नए चरण सिंह हैं, अपनी पूरी पहचान और परिभाषा के साथ। वैसे किसानों का नेता कहा जाता था इन्हें। जरा सियां घूमने पर किसानों की समस्या दिख जाती थी इन्हें। ना चाहते हुए भी एक इंसान के मन में इनकी रेखा खिंच जाती थी। ऐसे व्यक्तित्व के इंसान थे। ऐसा व्यक्तित्व था उत्तर प्रदेश के पांचवें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का में आपका स्वागत है। किसानों के हक की बात संसद में उठाने वाले भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की गिनती उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े बड़े सियासतदानों में की जाती थी। अगर इनके बारे में जाने तो ये 23 दिसंबर 1902 को गाजियाबाद जिले के हापुड़ तहसील में जन्मे थे। वैसे इन्होंने भी आगरा विश्वविद्यालय से लॉ में डिग्री ली है। वैसे यार, ये सारे मुख्यमंत्रियों को लॉ की पढ़ाई इतनी क्यों पसंद आती थी? खैर, 1928 में गाजियाबाद में वकालत करने के साथ ही समाज के लोगों की समस्याओं को गौर से देखने लगे। ये वो वक्त था जब देश में गांधी का कहा चलता था, जनता उनके पीछे पीछे चलती थी। 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का ऐलान किया। नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। चरण सिंह ने इससे प्रभावित होकर गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तब गाजियाबाद में समंदर तो नहीं था, तो चरण सिंह हिंडन नदी के किनारे पहुंच गए नमक बनाने। फिर क्या, महीने के लिए जेल हो गई। फिर वापसी के बाद चरण सिंह पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में आ गए। 1937 में चुनाव हुए। बागपत से चरण सिंह विधानसभा के लिए चुने गए। फिर विधानसभा में किसानों की फसल से संबंधित एक बिल पेश किया। ये उस वक्त का क्रांतिकारी बिल था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मुगलिया टैक्स सिस्टम को हटाकर भारतीय किसानों को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। इसके बाद चरण सिंह ने कई क्रांतिकारी काम किए। फिर दौर आया सिस्टम को सिस्टम में लाने का। जी हाँ, 3 अप्रैल 1967, ये वही दिन है जब पहली बार किसान नेता चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए बीच चुनाव में उन्हें फिर सफलता मिली और वह दूसरी बार 17 फरवरी 1970 को यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति में कदम रखा। उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इसी दौरान उनके व मोरारजी देसाई के बीच मतभेद हुए, तो उन्होंने बगावत करते हुए जनता दल पार्टी भी छोड़ दी। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो कांग्रेस व दूसरी दलों के समर्थन से चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को देश के पांचवें प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इंदिरा गांधी ने शर्त रखी थी कि उनकी पार्टी व उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए, लेकिन सिद्धांतवादी चौधरी चरण सिंह ने उनकी शर्त नहीं मानी और 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने देश के किसानों की स्थिति सुधारने और उनके अधिकारों के लिए लगातार काम किया। इनके बारे में कई किस्से मशहूर है। कहा जाता है 1979 में जब वह देश के प्रधानमंत्री थे, तो एक दिन कानून व्यवस्था का हाल जानने के लिए काफिले को दूर खड़ा कर इटावा जिला के उसराहार थाने में मैला कुर्ता और धोती पहनकर पहुंच गए। उन्होंने दरोगा से बैल चोरी की रिपोर्ट लिखने को कहा, लेकिन दरोगा ने बिना रिपोर्ट लिखे उन्हें चलता कर दिया। उनके जाते समय एक सिपाही ने रिपोर्ट लिखने के लिए खर्चा पानी मांगा। अंत में 35 रुपए में रिपोर्ट लिखना तय हुआ। मुंशी ने रिपोर्ट लिखकर कहा कि बाबा, अंगूठा लगाओगे या हस्ताक्षर करोगे? इस पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह लिख दिया और जेब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मोहर निकाल कर लगा दिया। ये देख थाने में हड़कंप मच गया। इसके बाद उन्होंने पूरे उसराहार थाने को सस्पेंड कर दिया।
लेकिन 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह और जाटों को लेकर एक और किस्सा है। जब अजीत सिंह जीवित थे तो हर चुनाव में मतदान से पहले रात के समय चौधरी चरण सिंह बड़े बुजुर्गों जाटों के सपने में आते थे। सपने में आकर वे रोते थे और कहते थे कि मुझे भूल गए, मेरे बेटे की ना सही लेकिन मेरी इज्जत की चिंता करो, चलो इस बार मेरे नाम पर अजीत को वोट देना। फिर क्या, मतदान के लिए सभी जाट पसीज कर रालौत को ही वोट देते थे। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।